नेहा से मिलने सिरोनी पहुंचे लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। नवादा जिला से सुजीत कुमार संग अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नवादा के कोआकोल थाना क्षेत्र के सिरोनी गांव में बीते कुछ दिन पहले 17 तारीख को हुई लड़ाई में दो बच्चों के बीच उत्पन्न कारण से मामला दर्ज हुआ था, जिसमें शिवालिक पासवान का भाई इसके अलावा मुकेश कुमार जो शिवालिक पासवान अस्पताल में अपने बहन की सास को लेकर पटना में लाए जाते बोले ही तुमको न्याय दिलाएंगे, हिम्मत मत हारना। सारी आपकी आपने बताई? हाँ, हम सारा बात बताए उसको, तो बोल के गए, देखते क्या करते हैं भैया। और कुछ बोल दो? बहुत हिम्मत दिलाए उनको, देख के तो और हिम्मत आया, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिलाए, बहुत ज़्यादा आश्वासन दिए, बोले कि न्याय मिलेगा बेटा, तुम सिर्फ हिम्मत मत हारना, ऐसी जैसे खड़ा हो वैसे हमेशा खड़ा रहो। आज SP भी आए थे आपके? हाँ, SP भी आए, तो उस टाइम जाम में फंस गए, मेरा हालत खराब है, तबीयत ठीक नहीं है मेरा, आए ना आज पटना से आ रहे थे जाम में, कब आए कब गए पता ही नहीं चला। आप तमाम पत्रकार बंधुओं की जानकारी में है कि किस तरीके से यहाँ पर एक घृणित घटना को अंजाम दिया गया है। जब आपके रक्षक ही आपके भक्षक बन जाए, तो ऐसे में प्रदेश में कोई भी महिला स्त्री न्याय की उम्मीद किससे रखेगी, ये सवाल आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता है। और मुख्यमंत्री जी से ये सवाल इसीलिए क्योंकि संजोग से वही हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी, और भारत का संघीय ढांचा लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत देता है। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर के आधार पर मुझे बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि जब एक बच्ची के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है जिसकी घटना को बताने तक में शर्म आती है, और किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं के ही पुलिस के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, पुलिस वर्दी में मौजूद लोग, पुलिस का काम है ग्रामीणों में सुरक्षा का भाव देना, पुलिस का काम है महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना, जब पुलिस को ही देखकर महिलाओं को डर उठने लगे, ग्रामीण भयभीत होने लगे, तो ऐसे में कानून व्यवस्था कहां जाएगी बताएं। जिस तरीके से कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा रात में 12 बजे घर में घुसकर, एक ऐसा घर जहां पे सिर्फ महिलाएं हैं, माँ हैं, दो बच्चियां हैं, वहां पर घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, बच्ची के दोनों भाई पटना में हैं, और ऐसे में रात में 12 बजे, और वो तस्वीरें मैं चाहूंगा कि आप लोग दिखाएं किस तरीके से दरवाजा तोड़ा गया, आखिरी बार पुलिस ने कब किसी अपराधी को, किसी मर्डरर को इस तरीके से पकड़ने के लिए कार्रवाई की थी? रात में 18-20 लोगों को लेकर महिलाओं के घर में घुसते हैं बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के, कहां का न्याय है भैया, ये कहां की कानून व्यवस्था है? बिना किसी जांच वारंट के, बिना किसी सर्च वारंट के आप महिलाओं के कमरे में आप घुसते हैं, दरवाजा तोड़ के घुसते हैं, वो दरवाजा अभी भी टूटा हुआ है, कल को कोई और असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व तो ये अधिकारी भी हैं, पर इनके अलावा कोई और असामाजिक तत्व घुस के कुछ और बड़ी घटना को अंजाम दे दे, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा?